Let us start with the exercise, sorry, miscellaneous example. Okay, very very important from examination point of view. मैं आपको बता दूं कि बेटा exams में इस miscellaneous example में से एक question पक्का आता ही आता है ना, क्योंकि all are different from the questions. That's why. Okay, first example 25 बेटा, first example. If sine x is 3/5, cos y is -12/13, where x and y both lies in second quadrant, it is given to me. Find the value of sine x plus y. मुझे x plus y जो है वो evaluate करना है, वो कैलकुलेट करें. तो बेटा उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं देखूं मुझे साइन एक्स प्लस वाई को इवैल्यूएट करना है, मैं अगर इसका फॉर्मूला खोल तो मेरे पास क्या बनता है. देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई नीड दिस ना. मेरे पास साइन एक्स है, मेरे पास कॉस वाई है, बट मेरे पास ये दोनों टर्म्स नहीं है. तो व्हाट इज माय फर्स्ट इवैल्यूएट दीज टू वैल्यूज, है ना. तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अगर मेरे पास साइन एक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्स एंगल, ओके, तो साइन एक्स, तो मेरे पास साइन होता क्या है, पी बाय एच, तो पी इज दिस, h is 5. यही हुआ ना. तो मैं b कैलकुलेट कर सकती हूँ. अब मैं b कैसे कैलकुलेट करूँ, अंडर 25 माइनस 9 रूट 16, और वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा. सिर्फ मैंने अभी इतना बनाया, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे cos x कैलकुलेट करना है, क्योंकि x और y दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा बता सकते हैं. हाँ जी, अमृतपाल, अमृतपाल जस्ट वेट 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 वेट, हाँ जी अमृतपाल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस मैम. हाँ जी, आप मुझे बता सकते हैं अमृत, cos x ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. मैम ये क्योंकि एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होना चाहिए. एक्यूट एंगल की बात नहीं है, उसने कहा एक्स एंड वाई लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यस मैम नेगेटिव, यस नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव होगा दैट मींस माइनस लगाएंगे और बी बाय एच लगाएंगे, तो बी मेरे पास 4 है, एच मेरे पास 5 है. ओके क्लियर श्रेया, यू वांट, यस मैम. ओके ओके बेटा श्रेया, यस बेटा, ओके चलिए. नो मैम. ओके ओके श्रेया, अब आप ही बताइए. चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट मेरे पास जो है टर्न है अर्शदीप की हो गई थी गर्ल, रोल नंबर 16. अनम्यूट योरसेल्फ गर्ल, रोल नंबर 16. मैं ऑप्शन सबको दे देती हूँ ताकि आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है ना, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इजीली. हाँ जी गर्ल रोल नंबर 16, अनम्यूट योरसेल्फ गर्ल. ओके गुरसीरत, गुरसीरत बेटा. यस मैम. हाँ जी गुरसीरत, हमने साइन वाई निकालना है बेटा, मेरे पास कॉस वाई दिया हुआ, तो बता सकते हो गुरसीरत कैसे कैलकुलेट करें बेटा. मैम जो कॉस वाई है उसको बेस इनटू हाइपोटेन्यूज होता है, वो तो इसलिए साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, पर उसकी वो 12 ले लेंगे बेस और 13 हाइपोटेन्यूज. हां जी, तो अब हम ये कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 25. मैम 5 आंसर आ जाएगा. बिल्कुल, तो साइन वाई क्या आएगा बेटा. मैम 5/13. 5/13. Why not you put here negative sign?
हम क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, वो तो फिर यहाँ क्यों लगाया? मैम उन्होंने वो कांस्टेंट काट दिया साइड से शायद। नहीं बेटा, मैंने अभी कुर्सीगत बताया था। नेक्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव होता साइन। यस दिस इज द रीजन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। वेरी गुड कुर्सीगत, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज जो है हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की, ताकि कोई भी हमारी मिस्टेक ना हो। अब हमने ये कैलकुलेट करना है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं सब कुछ कर दूँगी। ये 3/5 कॉस है मेरे पास -12/13 कॉस एक्स मैंने कैलकुलेट किया -4/5 और साइन वाई मैंने कैलकुलेट किया 5/13। ओके तो अब बेटा मैं इसको इवैल्यूएट कर लूँगी और उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो आंसर आएगा वो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है बेटा? क्लियर? इवैल्यूएट करना को आपको कैलकुलेशंस करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो अब बेटा मेरे पास तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल। आई एम डूइंग एग्जांपल 26। अगेन आई एम सेइंग ऑल दीज एग्जांपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that cos x by 2 minus cos 9x by 2 is equal to sin 5x by 2। मुझे ये प्रूफ करना है ना, इसमें जरा ध्यान से देखिए। See here carefully. अब मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा क्या है, अगर मैं देखूँ तो बेटा मेरे पास अगर मैं चेक करूँ ना, तो ये सेम सेम एंगल्स हैं, ना ये सिंगल टर्म है कि मैं cos c plus cos d, 100% ये मल्टीप्लाई नहीं। बट जब मल्टीप्लाई का एंगल होता है तो मुझे 2 को साथ में चाहिए होता है। आपको अगर याद हो 2cc बनेगा ऐसे यहां पर, तो आपको पता है 2cc ये कब बनता है। अगर आपको नहीं याद होता पूरे लिख लिया करो, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs मेरे पास, और c प्लस c 2cc। अब यहां से इधर जाना है और c माइनस c अगर आपको याद हो -2s ये करते थे ना, यस हिमांशु बताइए बेटा। हाँ जी हिमांशु। मैम पहले तो मैम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो मैम उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B is equal to cos A plus B cos A minus B। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। हम यही करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यही बता रही थी कि देखो सी मेरे पास है सिर्फ इतना पार्ट, बट मुझे 2 चाहिए। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी, मैं 2 से डिवाइड पूरी लेफ्ट हैंड साइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। होता क्यों किया मैंने, रीजन आपको बता दू, क्योंकि सीसी है उसके साथ 2 चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने ये इसीलिए कॉन्सेप्ट किया, और आपको पता है 2cc c + c होता है तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो तो अगर 2 यहां पर किया तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, अब 2cc आपको पता है 2cc c plus c होगा, और कैसे करते थे, पहले वाले में 2 एंगल्स का प्लस, दूसरे वाले में 2 एंगल्स का माइनस, कोई डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते थे। तो सेम यहाँ पर करेंगे 1/2 इस पूरे की जगह पर। देखिए cos x plus y plus cos
एक्स माइनस वाई, ये सिर्फ इतने का लगा। अब आगे इसका भी तो लगाएंगे ना, माइनस इसका। अब मैं यहां लगाने लगी कॉस, मेरे पास हो गए कॉस एक्स प्लस वाई। अब बाहर माइनस है बेटा, ध्यान से, बाहर माइनस है तो अंदर साइन वो चेंज हो जाएगा, कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स वाई। ये बात सबको समझ है? ओके जी, अब आगे क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशंस करें, है ना, एंगल की। ये 1/2 चल रहा है बाहर, चल रहे कोई बात नहीं। अब देखिए जरा, मेरे पास 2 एलसीएम होगा तो 4 प्लस 1 ये हो जाएगा cos 5x/2 प्लस, मेरे पास यहाँ पर 4 माइनस 1 cos 3x/2 माइनस, बेटा ये 6 प्लस 9 मेरे पास cos 15x/2, ये देखिए ये 6 माइनस 9 कितना आ गया cos माइनस 3x/2 और बीच में माइनस था, ठीक है। अब आपको पता है cos माइनस थीटा, कोई बता सकता है क्या हो सकता है cos माइनस थीटा क्या होता है? मैम cos 3x/2 ही रह जाएगा। वेरी गुड, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, क्योंकि cos नेगेटिव क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। ओके तो मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई तो मेरे पास क्या बचा 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस cos 3x/2। सबको बात क्लियर हो, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये और ये टर्म सेम है, कैंसिल कर दो। अब मेरे पास कौन सी टर्म बची, सिर्फ दो टर्म्स बची, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अगर मैं आंसर में देखूं, तो मेरे पास साइन में टर्म्स चाहिए। अभी हम देखते हैं, ये 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15/2x, देखिए ये आया ना मेरे पास। अब cos c माइनस cos d लगा सकते हैं, अगर आपको याद हो c माइनस c क्या होता है, माइनस 2s। ये लिख लोगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 1/2 चल रहे। अच्छा माइनस 2 साइन, अब जब सम से मल्टीप्लाई में जाते हैं दोनों एंगल्स का प्लस डिवाइडेड बाय 2 भी आता है, तो 5x/2 प्लस 15x/2 ये बच्चे भूल जाते हैं डालना। फिर साइन क्या आएगा मेरे पास, दोनों का डिफरेंस बाय 2। देखो फर्स्ट टाइम लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम ये सारा कर रहे हैं। ये देखो ये 2 और ये 2, ये दोनों बाहर थे, ये साइन के अंदर है, इसको इसके साथ कभी नहीं काटना। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, नेवर कैंसिल इट। ओके बेटा क्लियर, तो मेरे पास हो गए माइनस साइन। नमित यू आर टू लेट बेटा, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर द क्लास बेटा, बी पंचुअल बेटा। हाँ जी, अब 2 एलसीएम आया तो मेरे पास 5x प्लस 15x कितना हो गया 20x बाय 2 था, ये नीचे भी 2 है, देखो मैंने 4 कर दिया सीधा। स्मार्टली कैलकुलेशन को हैंडल करना है हमें, सेम हियर साइन 2 एलसीएम आया 5x माइनस 15 माइनस 10x बाय 4,
पता चल गया सबको कैसे किया मैंने कैलकुलेशन। अब ये माइनस है, ये कट गया, साइन 5x आया, साइन माइनस थीटा इज, हाँ जी माइनस साइन 10/4x। ओके माइनस जो ये वाला और ये वाला, ये इसको पॉजिटिव कर देगा और मैंने एंगल्स की कटिंग भी कर दी तो ये 5x बाय। ओके गुरसी ने बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। अब बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड, एक बार प्रोडक्ट से, यहाँ प्रोडक्ट से हम प्लस माइनस में लेते हैं, फिर दूसरी बार हम प्लस माइनस से प्रोडक्ट में, क्योंकि आंसर ही मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, बस कॉन्सेप्ट गए तो बेटा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं है। एक बार फॉर्मूले अप्लाई करने आ गए ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी आ जाए यू आर एबल टू डू। ठीक है, क्लियर क्लियर टू एवरीवन। चले आगे बेटा, आज नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दैट इज मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी गुरजोत आप बहुत लेट आए हो बेटा, इट्स टू लेट टू ज्वाइन द क्लास, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आई विल नॉट अलाउ टू एंटर द क्लास गुरजोत नेक्स्ट टाइम। जीवितेश भी लेट है, गुरजोत भी लेट था, नमित भी लेट है। जीवितेश नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास इफ यू कम लेट। ओके चलिए एग्जाम्पल 27, 10π/8। अब पाई बाय 8 होता कितना है? देखो पाई बाय 8 जो है ना वो पाई बाय 4 का हाफ है, मतलब 2 से डिवाइड हाफ है, तभी 2 से डिवाइड करते हैं तभी ये पाई बाय 8 बनता है। यानी बेसिकली 45 का हाफ होना, 45 का हाफ होना मतलब 22 1/10। आपको जब भी कोई एंगल दिया हो अगर वो फ्रैक्शन में है, यानी ये 45/2 है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपने देख लेना ये डबल करके किसका बन रहा है, 45 का। तो यानी हम 45 एंगल से स्टार्ट करेंगे और ये अपने आप आंसर आएगा। ओके तो इसके लिए यानी मेरे दिमाग में क्या आता है, देखिए हाउ आई कम टू नो कि मुझे ये लगाना है, क्लियर कट है, आपको tan 2x की वैल्यू पता है, डबल एंगल फॉर्मूला किया है ना, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, एम आई राइट? आपको ये पता है कि अगर मैं x को पाई बाय 8 कर लूं और मैं यहाँ x की वैल्यू पाई बाय 8 पुट करूंगी ना तो अपने आप वो पाई बाय 4 बन जाएगा, तो मुझे राइट हैंड साइड की वैल्यू पता लग जाएगी, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप आ जाता है। क्योंकि अगर आपने tan पाई बाय 8 कैलकुलेट करना है, यहाँ पाई बाय 8 पुट करोगे तो अपने आप tan x की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी मैंने लेट कर दिया x को पाई बाय 8। अगर मैंने x को पाई बाय 8 लेट किया बेटा तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पुट करूंगी तो 2 पाई बाय 8 2 tan पाई बाय 8 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 8। उसका बेनिफिट क्या हुआ अब देखना आगे, मेरे पास बेनिफिट ये हुआ बेटा कि मैं यहाँ पर ये पाई बाय 4 बन गया और tan पाई बाय 4 मेरे पास 1 होता है इक्वल्स। मैं क्या करती हूँ tan पाई बाय 8 को ना मैं 3 लेट कर लेती हूँ, उसे मेरे मतलब बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, तो ये 2t ओवर 1 माइनस t स्क्वायर हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t, सारी टर्म्स को उधर ले लो, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 मेरे पास हो गए,
इज इक्वल्स टू जीरो ना मेरे पास। अब यहां पर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे तो टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, क्योंकि वैसे फैक्टर्स बनने मेरे लिए मुश्किल थे। तो अब मेरे पास हो गए माइनस टू प्लस माइनस, ये कितना हो गया फोर प्लस फोर एट बाय टू। इसको मैं इवेल्युएट कर सकती हूँ, टू को कॉमन ले लू। जब मैं टू को कॉमन ले रही हूं तो मेरे पास माइनस वन प्लस माइनस रूट टू बाय टू। अब दो आंसर आए बेटा मेरे पास, एक आंसर आया माइनस वन माइनस रूट टू, एक आंसर आया माइनस वन माइनस रूट टू सॉरी प्लस। अब मुझे ये क्लियर कट पता है आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि रूट टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी लू तो 1.414, तो 1.414 माइनस वन वो नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्या किसी एक एंगल पे दो आंसर्स हो सकते हैं? हाँ जी चिराग बताएगा मुझे, चिराग रोल नंबर 12 अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा चिराग, क्या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जैसे हमने ये टी की वैल्यूज निकली है ना, तो क्या दो आंसर्स हो सकते हैं? हाँ जी एंगल के, हाँ जी टैन पाई बाय 8 को मैंने टी माना चिराग, तो बेटा ये टी की वैल्यूज हैं, क्या दोनों की दोनों एक्सेप्ट होंगी? ओके नॉट श्योर। चलो आर्यमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। आर्यमन क्या टेन पाई बाय 8 के टू आंसर्स हो सकते हैं? नो मैम नहीं हो सकते, नॉट श्योर, यू आर नॉट श्योर बट। अच्छा वैसे आपने इतनी हम टेंथ से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, क्या आपने देखा कि किसी एक वैल्यू पे टी रेशियोज के दो आंसर्स आए? नो मैम नहीं आए, इसका मतलब कोई एक रिजेक्ट होगा आ रहे हैं ना? यस मैम। अब कैसे चेक करें? हमने इतनी बार चेक करते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो कॉस नेगेटिव होगा, ये चीज पॉजिटिव होगी, हमने किया ना। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो, ये टेन पाई बाय 8 है, पाई बाय 8 का मतलब 22 वन बाय 2 मतलब 22.5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता आर्यमन? आर्यमन आप म्यूट योरसेल्फ बेटा, आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं। Yes, ma'am. क्या 22.5 पाई बाय 8 मतलब 22.5 पाई बाय 8 22.5 हुआ ना? Yes, ma'am. है ना? वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है? मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो फिर किसको रिजेक्ट करते बेटा? नेगेटिव, सिंपल सी बात। अब क्लियर हुआ आ रही मैम? सबको क्लियर हो गया बेटा, है ना? पार्टिसिपेट करोगे तो देखो आपका अपने डाउट्स क्लियर होंगे, है ना? तो जितना आप बोलोगे आपके माइंड से कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसको करेक्ट करूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम गलत आंसर दे रहे हैं या राइट, बट अल्टीमेटली हम राइट पे ही पहुंचेंगे। तो बेटा 100% आप लिखोगे कि एज टेन पाई बाय 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज पॉजिटिव, तो देयरफॉर इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि टी कैलकुलेट किया ना, टी हमने किसको लेट किया था? टेन पाई बाई 8, तो क्वाड्रेटिक बना था तो दो आंसर आ रहे थे,
बट हमने तो एक ही एक्सेप्ट करना है, तो इसीलिए हमने दूसरे को रिजेक्ट। ओके जी, क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, एनी डाउट कम्स इन योर माइंड। चले आगे बेटा। हाँ जी युवराज दीदी, आप भी आज बहुत लेट आए हो, अभी एंटर किया है, तो बेटा नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ द लेट कमर टू एंटर इन द क्लास बेटा, सो प्लीज कम जो है एंटर द क्लास ऑन टाइम, ठीक है? एग्जांपल 28 बेटा। अब आप लोग ही सभी मुझे बताओगे, बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो कभी ना कभी ही क्वेश्चन आया होगा, ठीक है जी? तो tan x इज इक्वल टू 3/4 और x जो है वो ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, फाइंड साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू, टैन x बाई टू। कोई एक भी निकल जाए ना तो वो बाकी ऑल्टरनेटिव निकल जाते। मेरा इतना इंपॉर्टेंट इसको बोलने के बजाय भी ना मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं मैं आपको बताने लगी हूँ, पहले उनका मेथड बताने लगी हूँ। वो कहते हैं कि मैम अगर टैन एक्स 3/4 है ना तो टैन एक्स बाई टू, वो ये कहते हैं बच्चे, मैम 3/8 हो जाएगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो। बेटा दिस इज टोटली रॉन्ग। आप मुझे बताओ टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, इसका एंगल का हाफ करूं 45 डिग्री, क्या वो नॉट डिफाइंड ही रहता है? क्योंकि नॉट डिफाइंड को 2 से डिवाइड कर दूं तो नॉट डिफाइंड ही बनता है, वो आंसर 1 होता है बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, इसके लिए सबसे इजी मेथड मैं आपको ये बताती हूँ, चाहे यहाँ टैन दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, तो कोई टेंशन। अगर आपको कभी भी कॉस एक्स बाई टू कैलकुलेट करना है तो ये प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू होता है। व्हाई आई पुट प्लस माइनस, इट डिपेंड्स कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको साइन एक्स बाई टू कैलकुलेट करना है और आपको कॉस दिया, यहाँ कॉस चाहिए, मैं ये जनरल बता रही हूँ, अभी इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट नहीं करना, मतलब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर किसी के पास साइन और कॉस आ जाए तो आप टैन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू करके कैलकुलेट कर सकते, आप इस मेथड से भी इवैल्यूएट कर सकते। पर इसके लिए आपको कॉस चाहिए, यानी याद तो करो कि जो भी दिया हो उसमें कॉस कैलकुलेट करो, सबसे इजी मेथड, मैं यही प्रेफर करूँ। कुछ भी दिया हो मैं कॉस कैलकुलेट कर सकती हूँ, कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं ये रफ करने लगी हूँ और मैं आपको बता दूँ। देखिए टैन आपको पता है 3/4, वो पी बाय बी होता है, तो मैं कॉस एक्स निकाल सकती हूँ, बी बाय एच करके मैंने ट्रायंगल बनाया, ये एक्स है तो बेटा मेरे पास हो गया पी इज 3 बी इज 4, तो ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 5, मैंने 4/5 लगा दिया। बट क्वाड्रेंट जरूर चेक कर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होते ही होते हैं, ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, क्योंकि आप लिखोगे कॉस एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपको याद आ जाएगा कि नेगेटिव क्यों लगा। अब कॉस आ गया ना, अब तो सारे निकल जाएंगे। अब दूसरी बात, आपको x की वैल्यूज देनी, आपने x बाय टू निकालना है,
तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में था ना, तो 100% जब आप हाफ करते हो ना, तो इसके प्रीवियस सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो जब आप इसका हाफ करते हो ना, तो इसके प्रीवियस क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। तो देख लो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट आपको हो गए, x lies in third quadrant, तो therefore x by 2 lies in second quadrant। आप इतना भी लिख दो कि हम नंबर दे देंगे। अब आपने जो भी एंगल निकालना है प्लस माइनस x by 2 से लेना है। वो कैसे लेंगे, अब देखिए जरा, मैं इस साइड पे कर देता हूं ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ये भी सारा डाटा बता जाए। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे साइन एक्स बाय टू निकालना है, आप लिखोगे प्लस माइनस रूट वन माइनस कॉस एक्स बाय टू। सीधा फॉर्मूला, मैंने प्लस माइनस रूट वन माइनस, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, इट मेक हियर पॉजिटिव, तो मेरे पास प्लस माइनस ये 5 9 by 10 हो गए। लेकिन लेना कौन सा है, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो आप कहोगे एज जो है साइन एक्स बाय टू इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर साइन एक्स बाय टू मेरे पास रूट 9 मतलब 3 बाय रूट 10। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना, रेशनलाइज करके ही आंसर दो, क्योंकि हम आपको 10 से सिखाते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी, तो 3 बाय 10 रूट 10। अब पॉजिटिव, अब साइन आ गया, ऐसे कॉस, अगर आप बुक में देखोगे ना वो कितनी आइडेंटिटीज लगा के कितना कुछ करता है, हमें जरूरत ही नहीं, हमने सिर्फ कॉज के साथ डील करना है, ठीक है जी, हम उसी के साथ डील करेंगे। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर बेटा क्या आ गया, देखिए व्हाट आई विल गेट हियर नाउ, आई हैव टू कैलकुलेट कॉज एक्स बाय टू। अच्छा आपकी मर्जी, आप पहले नेगेटिव अकेला लिख सकते हो, बट जहां नेगेटिव अकेला लिख दिया आपने कहना कॉज एक्स बाय टू इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वार्टर, बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट पहले लिखते हो या एंड में लिखते हो, नो प्रॉब्लम है। तो अब मेरे पास माइनस रूट वन प्लस, अब कॉस एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, माइनस 4/5, तो मैं यहाँ पर माइनस 4/5 by 2 सॉल्व कर लो सारे। अब टेन एक्स बाय टू कैलकुलेट करना, वो अपने आप नेगेटिव आएगा, देख लेना कैसे, क्योंकि साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो अपने आप आएगा ना, बात समझ आई बेटा, क्लियर टू एवरीवन, एनी प्रॉब्लम एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है हमारा, दैट वी विल डिस्कस टुमारो, ओके।